Very good morning to students. Today I will start exercise number 4 of chapter number 8, fractions. Exercise number 4. And the first question in this exercise is reduce the fraction to their lowest term. Reduce ka means hota hai kam karna fractions ko. कौन से टर्म में? लोवेस्ट टर्म में. लोवेस्ट का मतलब सबसे कम टर्म में आपको जो गिवन फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करना है, यानी कम करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस द फ्रैक्शन वापस इसको टू से कर दिया ना.
उसको आप ही वापस फिर से कर दिया। टू टू ज़ा फोर, टू की टेबल में फोर टेंट, टू की टेबल में 16 एट टेंट्स, तो टू अपॉन एट। अब आप बताएं अभी भी किसी की टेबल में आता है, टू की टेबल में आते हैं दोनों नंबर, तो वापस फिर से करेंगे टू की टेबल में टू वन टाइम और टू की टेबल में एट फोर टाइम। तो आपका आंसर अब वन और फोर, वन और फोर किसी की टेबल में आते हैं, वन की टेबल में आते ही नंबर, लेकिन वन से आप करोगे तो आपका आंसर वन अपॉन फोर आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, लॉवेस्ट टर्म में हो गया, अब ये नंबर किसी और की टेबल में नहीं आएंगे। सो ये आपका आंसर होगा। अब देखो टू से करने का भी आ गया, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको फोर से भी करके बताऊँगी, फोर से करके बताऊँगी। देखो आप इस तरीके से, मैं एक चीज़ बताऊँगी आपको, मान लो आपने टू से कर लिया इसको सबसे पहले, तो है ना, तो फोर अपॉन 16 में आएगा है ना टू से करने पर। अब मान लो अभी आप उससे मैंने ये कहा कि ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, तो आप ये बोले फोर ही टेबल में आते हैं, तो आप फोर से डिवाइड कर सकते हो, फोर की टेबल वन टाइम फोर फोर ज़ा 16। तो देखो आंसर क्या आ रहा है लास्ट में, तो वन अपन फोर ही आ रहा है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखनी, ऐसे नहीं कि आपने जब टू से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो टू से ही करोगे, ये भी कर सकते हो आप। और ऐसे कई स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अब नंबर चेंज नहीं करना, कि पहले तो हमने यहाँ पे टू से डिवाइड कर दिया दोनों नंबर को, अब हमने फोर क्यों ले लिया। लिसन, आपको स्टेप में क्या करना है, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नंबर्स को आपको सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। वन जब स्टेप में, वन स्टेप में आपको दोनों सेम नंबर से, दोनों नंबर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। लेकिन आप जब अदर स्टेप में करें, यानी वापस अगर आपको उसको लोअर स्टेप में चेंज करना है, तो आप दूसरे नंबर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बस सेम नंबर से डिवाइड करो, ठीक है। बाकी जैसे यहाँ पे टू था, फिर आपने फोर, हमने फोर ले लिया, तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और बता देती हूँ आपको, इसी नंबर को अगर आपने फोर से कर लिया, स्टार्टिंग में आपने क्या कर दिया, फोर से कर लिया, कि फोर की टेबल में एट कितने टाइम्स आता है, टू टाइम्स, फोर की टेबल में एट कितने, 32 कितने टाइम्स आता है, एट टाइम्स, ठीक है, टू अपॉन एट। अब बताओ ये किसकी टेबल में आता है, टू की टेबल में आता ना, तो आपने टू से डिवाइड कर दिया इसको, टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, तो देखो तब भी वन अपन फोर आया है ना। तो सेम नंबर से डिवाइड करना है, चेंज आप कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपने फोर से करा, सेकंड स्टेप में आपने टू से करा, लेकिन कर तो सेम नंबर से ही रहे ना दोनों नंबर को। यहाँ पे ऐसे तो नहीं कह रहा कि इसको टू से कर दिया, इसको फोर से कर दिया है ना, ये रॉन्ग चीज़ हो जाती है कि इसको आपने टू से कर दिया, इसको फोर से कर दिया। सो जो भी ये नंबर आप यूज़ करोगे किसी भी स्टेप में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो सेम नंबर से डिवाइड करना। मैं एक और बता दूँ, तो 8 upon 32, तो अगर आपने इसको डायरेक्टली ही क्या किससे कर दिया होता, 8 से, 8 की टेबल में 8 वन टाइम, 8 8 फोर ज़ा 32, सो अगर आपने देखा यहाँ पे मैंने बताया 2 की टेबल में 4 की टेबल में 8 की टेबल में, तो 8 से अगर आपने किया तो ये नंबर आपको 1 upon 4 है, वो आपका ओनली वन टाइम में ही डिवाइड करने पर आ गया है ना। अब देखो सब में आपका वन, तो मेरा कहने का मीन्स यही है, आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो आपका आंसर सेम आएगा, बस डिफरेंस इतना हो जाता है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। सो इस मेथड को, इस स्टेप को आपको 3 टाइम्स रिपीट करना पड़ा, 4 से जब आपने डिवाइड किया था तो 2 टाइम्स रिपीट करना पड़ रहा है, और जब ग्रेटर नंबर से आपने इन दोनों नंबर को डिवाइड किया तो आपका 1 टाइम में ही आंसर फाइंड हो गया, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पहले ये देख लो, ये दोनों नंबर अगर किसी एक से ज़्यादा नंबर के टेबल में आते हैं तो आप बड़े नंबर से ही कर लिया, कर लेना, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है आपका वन टाइम में ही आपको आंसर फाइंड हो जाता है। तो मैं इसमें आपको एक से ही मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि किस तरीके से, इस तरीके से भी आपका आंसर हो सकता है। बाकी मैं आपको ग्रेटर नंबर से ही बता दूँ, 8 की टेबल में 8 वन टाइम, 8 की टेबल में 32 फोर टाइम, ठीक है, 1 upon 4 आंसर। इसी तरीके से 9 और 27 3 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है, लेकिन जब आप 3 से करोगे आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको 2 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, और 9 से करोगे तो 1 स्टेप में आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। 9 की टेबल में 9 वन टाइम, 9 की टेबल में 27 3 टाइम, ठीक है। ऐसे इसमें 16 और 64, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, और 8 से भी हो सकता है, और इसके अलावा 16 से भी हो सकता है। सो सपोज आपने 8 से करा इसको ना, तो क्योंकि अगर आपको 16 की टेबल नहीं भी आती है तो आपने 8 से कर दिया, कोई बात नहीं, 8 से करने पर भी आंसर आ जाएगा, 2 से करने पर भी आ जाता है, बस थोड़ा मेथड हो जाता है कि आपको
8 2 16 8 8 64। अब 2 upon 8 है, 2 upon 8 को आप किससे कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, है ना। यहाँ पे चेंज हो सकता है, एक बार में आपने 8 से किया, एक बार में आपने 2 से किया, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से करना होता है। अब ये आ गया आंसर 1/4। डायरेक्टली आप 16 से डिवाइड करते तब फर्स्ट टाइम में 1/4 आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है कि ये दोनों नंबर कौन सी टेबल में आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ही है। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू दियर लॉवेस्ट टर्म। सेम क्वेश्चन है एज इट इज़, एंड थर्ड में भी आपका सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लिखा हुआ है यूजिंग दियर HCF फॉर चेकिंग। यानी आपको किसका यूज़ करना है, HCF। HCF का मतलब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा ही नंबर जो आपको जो दोनों की टेबल में आता है। ऐसा कोई नंबर लेना है जिसकी जो जिसकी टेबल में दोनों नंबर आते हैं और वो हाईएस्ट लेना है आपको। ठीक है, उसमें आप स्मॉलेस्ट नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। इट्स मीन, मेरा कहने का मतलब है जैसे इसमें आपने क्वेश्चन डी में क्या करा कि पहले 8 से किया फिर 2 से किया, तो इसमें आपको हाईएस्ट लेना है। मतलब ये 2 की टेबल से भी डिविजिबल हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 8 से भी हो जाता है, 16 से भी हो जाता है, बट आपको हाईएस्ट कौन सा लेना है, 16 से ही करना है। जब आपको क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में तो आपको तब ग्रेटर नंबर ही लेना है। कल फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड क्वेश्चन एज इट इज है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में है, क्वेश्चन ए 25/35 है। ओके, सो यहाँ हम 5 से कर देंगे इसको, और तो किसी से होगा नहीं है ना, जिस 5 से ही डिवाइड हो सकेगा। 5 5 से 25 5 6 30 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी बताती हूँ आपको, 70 upon 100। ये वैसे 2 से डिविजिबल हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट में इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो जिसके भी एंड में 0 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। इसके अलावा 5 से भी हो सकता है, ये 10 से भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे हाईएस्ट कौन सा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन 3 में हाईएस्ट बताना ना, इनसे नहीं करेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम करेंगे। तो हम करेंगे 10 से, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। 10 की टेबल में 77 टाइम एंड 10 10 100, 7/10 इज द आंसर। अब ये किसी और की टेबल में नहीं आई है ना, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो समझ गए आप मेरा कहने का मतलब। एक और मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्वेश्चन जैसे भी 64/96। सो अब आप ये देखें कि कौन कौन से नंबर से की टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिविजिबल हो सकता है ये, है ना, क्योंकि इसका लास्ट नंबर 4 है, 6 है ना, इवन नंबर है ना, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से हो सकता है, 3 का चेक करने के लिए कैसे करते हैं, दोनों डिजिट को प्लस करो, 6 + 4 = 10। तो एक नंबर ही अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अदर नंबर से कॉपी करने से कोई मतलब नहीं है। फिर देखते हैं 4 से, 4 2 डिवाइड हो जाएगा ये नंबर 4 से ना, और इसके अलावा 8 से, 8 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा और 16 से हो जाएगा। बट हम हमें कौन सा लेना है, हाईएस्ट लेना है, तो हम 16 से करेंगे इसको। 16 4 16 6। अभी ये देखो, आपने मान लो अगर हमें यहाँ पे पता नहीं था ना, मान लो मैंने यहाँ पे 16 से आपको डिवाइड करवा दिया, अब आपका आंसर जब आया तो आपका वन टाइम में ही आंसर फाइंड होना चाहिए। लेकिन अभी ये 4/6 आया, इसका मीन्स क्या हुआ कि 4/6 तो अभी वापस हो सकता है डिवाइड, किससे हो सकता है, 2 से हो सकता है। तो हमारा दो बार में अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो रहा है ना, तो आप समझ जाओ हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर का यूज़ कर लिया है, यानी ये और किसी की टेबल में भी आएगा। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे जब मैंने इसको डिवाइड किया है इन नंबर्स को 16 से, तो हमारा 4/6 लॉवेस्ट टर्म में आंसर आना चाहिए। लॉवेस्ट टर्म में नहीं आ रहा है, मतलब अभी ये 2 से भी और डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे हमें किसी और नंबर से इसको डिवाइड करना होगा। तो 16 2 कर दें आप 32, तो ये नंबर किसी टेबल में भी आता है 32, तो हम 32 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से हो जाए ना, तो आप समझ जाना 32 2 64 और 32 करते हैं 3 times होगा। ठीक है, 2/3 अब इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
सो इस तरीके से आपको करना है उन क्वेश्चन में जिनमें मेंशन नहीं है उसमें आप कर सकते हैं, 2 से करके, 4 से करके, 8 से करके, जैसे भी नंबर सिंबल्स हो 2-3 स्टेप में कर सकते हैं। बट आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन हो HCF से करना है तो आपको वन टाइम में ही आपका आंसर फाइंड होना चाहिए, वो भी लॉन्गेस्ट टर्म में। सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट डू दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी एंड ऑल्सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 4 इन रफ कॉपी। थैंक यू।